हमारा कॉम्बो, इसके अंदर हमारा मैंगो आइसक्रीम, वनीला, रबड़ी और हमारा ये शाही टुकड़ा। तो चलो इसका बाइट लेते हैं पहला, सबको मिक्स करके आपको एक बार दिखाता हूँ। हॉट एंड कोल्ड कॉम्बो है ये, देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है। दिस इज लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप दिल्ली में, मैं अभी हूँ दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के सामने, ये आप सामने देख सकते हैं जामा मस्जिद है, गेट नंबर 1। ये जगह का नाम है ये कूल पॉइंट। ये यहाँ पे हमारे साथ राहिल भाई हैं, आपको और भी ब्रांचेज है या इसी गली में है या कहाँ पर है? एक कुरैशी कबाब वाले के बराबर में हमारी ब्रांच मिल जाएगी, एक गरीब नवाज होटल के नीचे, जो सबसे पुरानी शॉप है हमारी, सबसे पुरानी, और एक मोहम्मद हुसैन के सामने, मोहम्मद हुसैन के सामने। अच्छा, सबसे पुरानी कौन सी आपकी? हमारी सीने वाली वो वाली दुकान है आपकी। अच्छा, तो भाई देखो दिल्ली में गर्मी बढ़ चुकी है, और अगर आपको ठंडक लेने के लिए, राहत पाने के लिए इस गर्मी से, अगर आपको कोई डेजर्ट खाना है बढ़िया, तो आप यहाँ आइए पुरानी दिल्ली में। ये कूल पॉइंट, इनके और भी ब्रांचेज हैं जैसे भाई ने बताया, एक कुरैशी कबाब के जस्ट बराबर में है, और इस गली में आपको और बाकी की तीन यहाँ पे भी हैं, तीन यहाँ पे भी हैं। ये देखिए एक और बाइट, एकदम मिठास से भरा ये डेजर्ट भाई, मज़ा आ गया इसको। और मात्र 80 रुपये की प्लेट है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, एकदम अफोर्डेबल है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो उसको। 80 रुपये में आपको जो जो आइटम मिल रहे हैं इसके अंदर भाई, और क्या, बच्चे की जान तो लोगे नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन, ये मस्ट ट्राई है आपका अगर आप यहाँ आ रहे हैं पुरानी दिल्ली में, जामा मस्जिद कूल पॉइंट, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेटिंग इसको रहेगी 10 में से पूरे 9 नंबर इसके। और ये गई हमारी आखिरी बाइट, ये एक आइटम है, ये एप्पल वाला, और ये वाटरमेलन। ये तो भैया अमूल क्रीम रखी है, दूध अमूल मिल गया। ये कितने रुपए का ग्लास है? 30 पर ग्लास। ये भी 30, वो भी 30। ये मोहब्बत वाला है, कर दिए। तो भाई अभी कूल पॉइंट पे जो हमने अभी वो शाही टुकड़ा ट्राई किया था, उसके बाद आया यहाँ पे हम मोहब्बत का शरबत ट्राई करना। भैया क्या नाम है दुकान का आपकी? शरबत ए मोहब्बत। आपका नाम क्या भैया? हर्षद मलिक, आमिर मलिक। यहाँ पे हर्षद भाई हैं, ये इन्होंने एकदम बड़ी मोहब्बत के साथ ये शरबत बना के दिया है, तो चलो उसको पीते हैं यहाँ पे। वाह, ये तो मतलब भाई पूरा अंदर आपको वाटरमेलन का ऐसा परफेक्ट टेस्ट आ रहा है। वाटरमेलन आप देख सकते हो बना रहे हैं भाई, पूरा अभी काट रहे हैं यहाँ पे आपके सामने लाइव एकदम। ये एप्पल वाला भाई, ये एप्पल का, और ये मोहब्बत का नाम क्या है? शरबत नफरत और शरबत मोहब्बत। अच्छा, तो भाई मोहब्बत और नफरत दोनों एक साथ है यहाँ पे, और ये देख रहे हो ये मोहब्बत, मोहब्बत जीत रही है भाई, एकदम बढ़िया, एकदम झकास इसका टेस्ट है। नफरत भी प्यार से। अच्छा, नफरत भी प्यार से। हाँ, नफरत भी करो तो प्यार से करो, किसी को बुरा ना लगे। अच्छा, इसलिए शरबत नफरत, इसका नाम इसलिए शरबत नफरत है। तो भाई देखो ये आपको दिखाता हूँ, एक बार ये पास से दिखाइए, ये है शरबत नफरत, कि नफरत भी करो तो प्यार से करो मोहब्बत से, उसके जल बना में मोहब्बत है। भैया लैला और मजनू दोनों यही है हमारे, देख रहे हो एकदम बढ़िया चला रहे हैं भाई हमारे। और ये एकदम रिफ्रेशिंग है, एकदम कूल है भाई, ठंडा ठंडा एकदम दिमाग को ऐसे तरोताजा कर दिया इसने। पूरी भीड़ है यहाँ पे भाई, आप देख सकते हो पूरा ऐसे माहौल जमा हुआ है, वीकेंड है आज, सैटरडे है। और ये 30 रुपये का गिलास है, चाहे आप नफरत का शरबत ले लो भैया, ये मोहब्बत का शरबत ले लो, 30 रुपये का गिलास है। तो ये भी मैंने आपको एक और आइटम दिखाया,
ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको बढ़िया यहाँ पे जामा मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने जो गली है उस गली में आओ आप, और आपको कौन सा महल, मटिया महल, बगिया महल, मटिया महल। ओके, एक तो शोर बहुत आ रहा है, एक नंबर गेट के सामने। अच्छा, मटिया महल गेट नंबर 1 के सामने। ये एक और आइटम हमारा, आज ये जो हमारा टूर चल रहा है ये पुरानी दिल्ली का स्ट्रीट टूर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले अभी हमने ट्राई किया वो जो हमारा शाही टुकड़ा था, अभी हम ट्राई कर रहे हैं ये मोहब्बत का शरबत। तो बस बने रहिए हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई जी, यहाँ क्या, कहाँ से आए हो ये पीने आप? मैं मेहरौली से आया हूँ। मेहरौली से आए हो? यहाँ पे काफी दुकानें मिली पर भाई नहीं दिखे मुझे। अच्छा, मैंने वीडियो में लोकेशन देखी बैक साइड की। अच्छा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये जो भाई है हमारे, ये बहुत पॉपुलर है इनके बहुत सारे वीडियोस हैं भाई के। काफी टाइम से देख रहा था भाई को। अच्छा, तो कैसा लगा आपको मोहब्बत का शरबत लिया? नफरत आ गया भाई। कौन सा वाला पिया, नफरत या मोहब्बत? पिया, नफरत नहीं पीना भाई। अच्छा, मोहब्बत वाला पिया। हाँ जी। अच्छा भाई, आपने भी पिया क्या? यस भाई, पिया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। कौन सा मोहब्बत का शरबत लिया आपने? यस भाई, मोहब्बत का शरबत लिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन। यस भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद। ये 230 का हाफ प्लेट है। 230 का हाफ। और ये जो बड़ा पीस है ये कौन सा है? ये लेग है या कौन सा है? लेग पीस है, 110 रुपए का है। 110 का एक पीस है ये। और चिकन के अलावा और क्या क्या आइटम? फिश भी है, फिश फ्राई है, फिश फ्राई भी है। उसका क्या प्राइस है? 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। भैया हमारा हाफ प्लेट कर दीजिएगा। भाई देख रहे हो क्या, मतलब बेहतरीन तरीके से पक रहा है इसके अंदर ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। हमने अभी हाफ प्लेट लिया, हाफ प्लेट चिकन फ्राई। KFC भूल जाओगे इसके सामने। देखने में देख रहे हो क्या जानदार लग रहा है ये। भैया हमारा आप कर दीजिएगा। तो भाई सब कुछ हमने शाही टुकड़ा और हमारा ये मोहब्बत का शरबत ट्राई करने के बाद ये हमारा फाइनल स्टॉप है यहाँ पे। आप देख रहे हो हाजी मोहम्मद हुसैन यहाँ पे, ये जो शॉप है यहाँ पे आपको फ्राइड चिकन और फ्राइड फिश वगैरह सब मिल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में शॉर्ट्स दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है। तो भाई मतलब देखने में आप मेरी प्लेट देख रहे हो, ये मैंने लिया हाफ प्लेट ये फ्राइड चिकन की। चलो KFC फेल लग रहा है इसके सामने मेरे को, बस अभी इंतजार नहीं हो रहा। चलो उसको ट्राई करते हैं अभी और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका, कि वाकई ये KFC से बेहतरीन है या नहीं है। ये गया पहला बाइट इसका। मजा आ गया भाई। आप हाँ भाई साहब, KFC क्या KFC भूल जाओ, KFC कुछ भी भाई। ये फ्राइड चिकन ना मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई, इसका टेस्ट और एकदम गर्मा गर्म, इतना गर्म है मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा था मेरे मुंह में एकदम गर्म गर्म रख के, एकदम गर्मा गर्म आपके सामने फ्रेश बना रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे और देख रहे हो आप किस तरीके से कितनी क्वान्टिटी में यहाँ पे रखा हुआ है चिकन सब। ये देख रहे हो कितनी बड़ी कढ़ाई के अंदर, ये देखिए आप। ये मैंने लिया हाफ प्लेट फ्राइड चिकन है ये,
230 रुपए का। और अगर आपको फ्राइड चिकन हाफ नहीं चाहिए, एक क्वार्टर प्लेट चाहिए, वो है आपको 110 रुपए की पड़ेगी। ये देखिए मतलब कितने मेरी पूरी प्लेट भरी हुई है, आप प्लेट की तरफ करिए एक बार कैमरा, पूरी प्लेट भरी हुई है मेरी, इसके अंदर आपको प्याज भी है, चटनी भी है, 230 रुपए में भाई बढ़िया आपका पेट भर जाएगा। और पेट के साथ साथ आपको टेस्ट लाजवाब मिल रहा है भाई, क्वालिटी बढ़िया मिल रही है, क्वांटिटी भी मिल रही है। यहाँ तो ज़रूर आना आपका बनता ही है, हाजी मोहम्मद हुसैन ये शॉप है, यहाँ तो आपका आना मस्त है भाई, इसके बिना आपकी मतलब पुरानी दिल्ली की जो ये टूर है ये अधूरी है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी पूरी टूर अधूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, अगर आप वेजिटेरियन है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो भाई एकदम राक्षसों की तरह खाता हूँ नॉन वेज, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये साथ में हमारा गया एक और भाई धंधा, भाई जान अस्सलामुअलैकुम। ये आपका स्पेशल आइटम क्या है यहाँ पे? ये शाही शीरमाल होता है सर, अपने मेरठ का तोहफा है ये जो है, ये शाही शीरमाल है, सब शीरमाल होता है, इसमें क्वालिटी होती है सर। अच्छा, अलग अलग वैरायटी है, अलग ये ड्राई फ्रूट का होता है, ये 500 रुपए का है। अच्छा, और ये 300 रुपए का है, ये 300 रुपए का है, ये विद प्लेट है। अच्छा, और नान खटाई भी आपके पास? जी, नान खटाई कैसे दिया है? नान खटाई 400 रुपए किलो है सर, ड्राई फ्रूट और देसी घी में। अच्छा, और काजू में है वो 300 रुपए किलो है, और एक नॉर्मल होती है शादी में वो 240 रुपए। अगर किसी को पर पीस ऐसे खाना हो तो? पर पीस में 10 रुपए का है सिंपल, 15 का है, 20 का है। 15 का 20 का है जी, मतलब 20 वाले में 15 वाले में क्या फ़र्क है साइज़ का? साइज़ का नहीं, ड्राई फ्रूट देसी घी में होता है जो 20 रुपए का है। अच्छा, और 15 रुपए का जो है वो है काजू में, ओनली काजू रहता है उसमें। अच्छा, तो हमारे दो पीस लगवा दीजिए ज़रा भाई। ये देखिए, ये है हमारा शीरमाल, ये 100 रुपए का है सर, ये 70 का है, ये 70 का है, ये कौन सा वाला शीरमाल है? ये 35 वाला है, टेस्ट करके देखो। नहीं नहीं, ये इसके अंदर क्या डला हुआ है? बादाम। ये हमने अभी भाई ने दिया, भाई क्या नाम है आपका? जरा मेरा नाम मोहम्मद शादाब भाई। मोहम्मद शादाब, तो शादाब भाई ने ये दिया है ट्राई करने के लिए, ये शीरमाल, ये बादाम का शीरमाल है? हाँ जी, बादाम का, बादाम का। 8 तरह के होते हैं शीरमाल हमारे पास। अच्छा, ये दिखाइए यहाँ पे, ये अलग अलग तरीके के शीरमाल है यहाँ पे, भाई बता रहे हैं 8 तरीके के शीरमाल है जिसमें से हमने ये वाला ट्राई किया। ये पिस्ता बादाम देसी घी में होता है, फुल बादाम देसी, ये देसी घी में है सर। अच्छा, तो ये कितने टाइम पुरानी दुकान है आपकी? है यहाँ 3 साल हो गए, यहाँ 3 साल हो गए। पुराना मेरठ है, मेरठ में, मेरठ से फेमस है अपना, 22 साल। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कि 22 साल पुरानी दुकान मेरठ में है, यहाँ पे उनकी ब्रांच खुली है, ये यहाँ पे पुरानी दिल्ली में। नान खटाई दे दीजिएगा 2 पीस। अच्छा, काफ़ी ब्रांच है हमारी, हैदराबाद में भी है, अच्छा कलकत्ता में है, अच्छा चंडीगढ़ में है, इसी नाम से ही है। तो भाई जैसे बता रहे हैं कि दूसरे शहरों में भी इनकी ब्रांच है। बेसन, मैदा, घी, दूध, खोया होता है, ड्राई फ्रूट होता है, तंदूर में लगता है, फिर घी में डिप होता है, फिर अच्छा, पैक होता है। अच्छा, 15 से 20 दिन खराब नहीं होता? अच्छा, 15-20 दिन तक खराब नहीं होगा? 15 से 20 दिन खराब नहीं होता, ओके की रिपोर्ट होती है, खराब नहीं होता, फुल गारंटी। अच्छा, कुरियर भी होता है? कुरियर। अच्छा, कुरियर भी करते हैं बाहर, शहर से बाहर? हाँ, विदेशों में जाता है यहाँ से। अच्छा, विदेश भी जाता है यहाँ से? यहाँ से विदेश जाता है, मदीने भी जाता है। ये देखिए भाई ने कार्ड भी दे दिया अपना, ये कार्ड वाले नंबर पे फोन मारो, 1, 2, 3, 1-3 पीस होते हैं केजी में जी, 1 किलो में 3 पीस होते हैं, कोरियर वाले लेगा 80 रुपये 1 किलो का। अच्छा, हाँ, हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, आज फोन करोगे परसों घर पहुँच जाएगा, परसों घर पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसका बनेगा शीरमाल? और ये उसके अंदर भरोगे? ये अच्छा ऐसे भाई, कितना टाइम लगता है एक शीरमाल बनने में? 10 मिनट। और ये किस चीज़ का है? ये मैदा, सूजी, मैदा और सूजी मिक्स। भाई क्या कारीगरी कर रहे हैं, देख लो भाई, ये गया उधर, यहाँ से जाएगा ये तंदूर के अंदर। एक बार में भाई कितने शीरमाल बन जाते हैं इसमें? 20 शीरमाल बन जाते हैं एक बार में। 20 शीरमाल जी, 2 मिनट में। 2 मिनट में? हाय हाय यार, देख रहे हो क्या बढ़िया आग चल रही है अंदर। ये इलेक्ट्रिक है या कैसे? गैस वाला है। हाँ, गैस वाला है, गैस वाला है, ये अंदर गैस है। हाँ, और ये गया तंदूर से।
से निकलते ही देसी घी में और डुबकी लगा ले जरा निकालो भाई, ये पूरा देसी घी। हाय हाय यार, मतलब वाकई यार ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ये। हाय, अब ये यहाँ से इसके बाद सीधे उसमें प्लेट में जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ ज़रूर ट्राई करना। ये दुकान का नाम है हाजी नदीम, शॉप नंबर 73। और अभी हम ये है हमारी शाही नान खटाई, ये स्पेशली खाने आया हूँ मैं यहाँ पे। काजू बादाम पिस्ता मूंग की दाल देसी के अंदर मेरठ वालों की हमारी स्पेशल नान खटाई, ये देसी घी में बनती है ये। ये देखिए थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, एकदम क्या बेहतरीन लग रही है ये। और अब ये गया आज का पहला भाई मेरठ वाला, ये बाजी वाह, मजा आ गया भाई। शाही नान खटाई, ये शाही नान खटाई गेट नंबर 1 के सामने जमा मस्जिद, ये वाकई शाही है भाई। मतलब अंकल जी से बात करते हैं, चलो। क्या नाम है आपका अंकल जी? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम, हाँ जी। आप बता रहे थे, मतलब क्या खास बात है इस नान खटाई में? इसमें काजू बादाम पिस्ता मूंग की दाल होती है, देसी घी होता है, अंदर बाहर ड्राई फ्रूट होता है। ये मूंग की दाल देसी घी में तैयार होता है, ये 400 रुपये के जी है। 400 रुपये के जी है। काजू मूंग की दाल 300 रुपये है। ये प्लेन वाली सूजी बेसन होता है 240। अच्छा, तीन क्वालिटी होती है। आपने जो हमें दी है ये स्पेशल वाली है, 400 रुपये किलो वाली। ये काजू बादाम पिस्ता की ये हमारी स्पेशल देसी घी में बनी हुई है नान खटाई। भाई साहब इतनी जानदार है, मतलब मुंह में रखते ही जो ये घुल रहा है ना ये भाई, देख रहे हो इसके ऊपर ये जो टॉपिंग लगी हुई है ये देखो आप। मतलब एक और बाइट इसका मैं ले रहा हूँ, भाई दिल खुश हो गया मेरा। मतलब क्या बेहतरीन चीज़ है यार नान खटाई। हमने अपने शहरों में भी खाई है, खैर मैं मुरादाबाद से हूँ, मैंने वहाँ पे हमने बहुत खाई अपने टाइम पे, लेकिन मुझे नान खटाई होती थी वो रोटी होती थी और प्लेन होती थी। इसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं और वाकई ये टेस्ट है यार, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मज़ा आ गया इसको। ये मूंग की दाल का बनता है ये, तो भाई ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे। ये दुकान का नाम है गेट नंबर 1 जमा मस्जिद, गेट नंबर 1 के सामने 73 नंबर 100 हाजी नदीम मेरठ वाले। तो जमा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने जैसे आप घुसेंगे अल जवाहर रेस्टोरेंट से 2 कदम आगे आएंगे ये आपको दुकान मिल जाएगी, 73 नंबर 100 के शॉप नंबर 73। तो भाई ज़रूर मैं तो रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे ज़रूर आइए।